बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करती हूँ। फाइंड द पॉइंट्स दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू फोर इक्वल पार्ट्स। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स ए और बी गिवन है। हमने इस लाइन सेगमेंट ए बी को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो डिवाइड करने के लिए जो हम लोग पॉइंट्स यूज़ करेंगे ना, वो पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है ए, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, x1 y1, और ये मेरे पास है बी, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं x2 y2, ये हमें गिवन है। अब हमने इस लाइन सेगमेंट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसको फोर पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, थ्री पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। ये देखिए मिड पॉइंट, सपोज यहाँ पे वन पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, तो ये फोर पार्ट बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स ए बी हैं। इसको मैं कह देती हूँ, ये मेरे पास डी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स सी डी हैं। और इसको मैं कह देती हूँ हमारे पास ई है, ई और एफ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने सी डी और ई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, क्लियर। सबसे पहले मैं पॉइंट सी के फाइंड करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट सी के लिए यहाँ पे मैं दोबारा डायग्राम बना रही हूँ। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास है बी पॉइंट, ठीक है। ये मेरे पास है पॉइंट सी। अब सी से पहले एक पार्ट है, सी के बाद कितने पार्ट्स है, 1 2 3 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो k1 k2 है ना, वो हमारे पास क्या आ गई, 1 3, मतलब कि k1 हमारे पास 1 है और k2 हमारे पास क्या है, 3 के इक्वल है। अब मुझे c का x कोऑर्डिनेट लेना है, वो क्या है, मेरे पास a है। तो यहाँ से a इज़ इक्वल टू, बल्कि मैं x के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट अगर हम लोगों ने लेना, वो हमारे पास फॉर्मूला होता है k1 x2 प्लस k2 x1, डिनोमिनेटर में k1 plus k2 होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब c का जो x कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल है, एक्चुअली a के इक्वल है, जो कि हम लोगों ने सपोज किया, ठीक है। a इज इक्वल टू k1 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, 1 है, और x2 हमारे पास क्या है, वो x2 ही है, क्योंकि a b पॉइंट्स, ये इनके कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, x2 एज इट इज़। प्लस k2 हमारे पास है 3 और x1 एज इट इज़। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, k1 plus k2, ठीक है। तो k1 हमारे पास है 1 और k2 क्या है, हमारे पास 3 है। तो यहाँ से हमारे पास a आ गया, हम लोग पहले x1 वाली टर्म लिख लेते हैं, 3x1 प्लस x2 डिनोमिनेटर में 4, ठीक है। ये अभी हम लोगों ने क्या फाइंड किया है, a, जो कि हमारा क्या है, c का x कोऑर्डिनेट है। अब नेक्स्ट मैं c का क्या फाइंड करती हूँ, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हमारे पास होता है k1 y2 plus k2 y1, डिनोमिनेटर में क्या आता है, k1 plus k2। सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, c का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या, b के इक्वल है, ठीक है। b इज इक्वल टू k1 क्या है, 1, y2 एज इट इज़, क्योंकि y2 की वैल्यू हमें y2 ही गिवन है, प्लस k2 हमारे पास है 3 और y1 हमारे पास y1 ही है, 1 plus 3। तो यहाँ से हमारे पास b क्या आ गया, पहले मैं y1 वाली टर्म लिख लेती हूँ, y3 y1 प्लस y2, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4, ये मेरे पास आ गया b की वैल्यू, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास जो c पॉइंट है वो क्या आ गया, a b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 3x1 प्लस x2 ओवर 4, और b हमारे पास है 3y1 प्लस y2 ओवर 4। ये मेरे पास अभी फाइंड क्या हुआ है, c पॉइंट फाइंड किया मैंने। नेक्स्ट अब मैं पॉइंट d फाइंड करती हूँ सेम इसी प्रोसेस के थ्रू। अब d के लिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा यहाँ पे बनाती हूँ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। ये पॉइंट a है और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, b है। जो d पॉइंट था वो हमारा इनका मिड पॉइंट था d, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, इससे पहले भी 2 पार्ट्स थे, इसके बाद भी 2 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास k1 ratio k2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 2 ratio 2। आप चाहें तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने फार्मूला यूज़ किया उसके अकॉर्डिंग कर लें, अदरवाइज़ आप सिंपली मिड पॉइंट फार्मूला से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं x वाले फार्मूला यूज़ करती हूँ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट अगर लेना, x कोऑर्डिनेट के लिए होता है k1 x2 प्लस k2 x1
डिनोमिनेटर में के वन प्लस के टू, ठीक है। अब डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सी के इक्वल है, तो एक्स की जगह सी पुट कर दिया, के वन हमारे पास क्या है टू, एक्स टू एज इट इज, प्लस के टू भी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू है, और एक्स वन हमारे पास क्या है एज इट इज एक्स वन, ठीक है, के वन टू प्लस के टू भी टू है। तो यहाँ से हमारे पास जो स्मॉल सी है ये क्या आ जाएगा, टू कॉमन ले लें, एक्स वन प्लस एक्स टू, डिनोमिनेटर में क्या है फोर है, सो दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। तो ये देखें यहाँ से हमारे पास जो सी है वो आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। ये भी हम लोगों ने सी फाइंड किया, अब मुझे डी फाइंड करना है। डी एक्चुअली क्या है, मेरे पास इसका वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू के वन बाई टू प्लस के टू वाई वन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा के वन प्लस के टू, ठीक है। अब डी का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या, स्मॉल डी है, तो यहाँ पे स्मॉल डी पुट कर देते हैं, के वन हमारे पास टू, वाई टू एज इट इज, के टू भी टू, वाई वन एज इट इज, डिनोमिनेटर में टू प्लस टू आ गया, ठीक है। डी इज इक्वल टू न्यूमिनेटर में टू कॉमन ले लेंगे, वाई वन प्लस वाई टू, नीचे फोर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखे टू टू ज़ार फोर, सो दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डी। सो दिस इम्प्लाइज जो पॉइंट हमारे पास डी है वो क्या आ गया, पहले सी की वैल्यू पुट कर दें एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, क्लियर। ये हम लोगों ने फाइंड किया पॉइंट डी, अब मुझे पॉइंट फाइंड करना है इसका ई, ठीक है, तो पॉइंट ई के लिए मैं लिखती हूँ पॉइंट ई, ई के जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स पोस्ट किए वो स्मॉल ई और एफ एम, ठीक है। अगेन अब हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाते हैं ए, और ये आ गया हमारे पास बी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ई, ई पॉइंट से पहले हमारे पास थ्री पार्ट्स हैं, ठीक है, ई पॉइंट के बाद वन पार्ट्स हैं, सो दिस इम्प्लाइज के वन रेशो के टू इज इक्वल टू थ्री रेशो वन, ठीक है, थ्री रेशो वन। अब मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होता है, के वन के एक्स टू प्लस के वन के टू एक्स वन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा के वन प्लस के टू, क्लियर। अब सिंपली हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स हमारे पास एक्चुअली क्या है, ई के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ई का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ई है, इज इक्वल टू के वन हमारे पास क्या है थ्री, और एक्स टू एज इट इज, के टू वन, और एक्स वन एज इट इज, डिनोमिनेटर में आ गया थ्री प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से ई हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, पहले एक्स वन वाली टर्म मैं लिख रही हूँ, एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू, डिनोमिनेटर में क्या आ गया फोर, ये मेरे पास ई की वैल्यू आ गई, क्लियर। अब मुझे फाइंड करनी है एफ़ की वैल्यू, तो एफ एक्चुअली क्या है, ई का वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू के वन वाई टू प्लस के टू वाई वन, डिनोमिनेटर में के वन प्लस के टू आ जाएगा, तो y हमारे पास क्या है, f के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं f इज इक्वल टू k1 वन क्या है थ्री, वाई टू एज इट इज़, और k2 टू क्या है हमारे पास वन है, y1 वन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में आ गया थ्री प्लस वन, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज f इज इक्वल टू y1 वन वाली टर्म पहले लिखेंगे, y1 वन प्लस थ्री वाई टू, डिनोमिनेटर में फोर आ गया, तो यहाँ से हमारे पास e पॉइंट भी आ गया, सॉरी e और f दोनों एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए, सो दिस इम्प्लाइज पॉइंट ई हमारे पास क्या आ गया, पहले स्मॉल ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू ओवर फोर, और एफ की वैल्यू है वाई वन प्लस थ्री वाई टू बाई फोर, ठीक है। तो हम लोग ने ए बी लाइन सेगमेंट को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना था, उसके लिए हमें तीन पॉइंट्स रिक्वायर्ड थे, जो कि क्या थे हमारे पास, सी डी और ई, तो वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। सो दिस इम्प्लाइज द required three points are, वो कौन कौन से थे, पहला था C, ठीक है, तो C के हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे थ्री एक्स वन प्लस एक्स टू बाई फोर, थ्री वाई वन प्लस वाई टू बाई फोर, ठीक है, ये हमारे पास हैं C के कोऑर्डिनेट्स। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे D पॉइंट लिख लेते हैं, तो D पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, ठीक है, एंड ई पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू बाई फोर, वाई वन प्लस थ्री वाई टू बाई फोर,
तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।